दोस्तों हर वो लड़का जिसको भी अपने बाइसेप साइज को बड़ा करना है, चौड़ा करना है, मस्कुलर करना है, वो इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप घर पे ही किस तरह से अपने बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई भी रॉड नहीं चाहिए, कोई भी प्लेट नहीं चाहिए, कोई भी डंबल नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग घर के ही सामान से हम लोग अपने वर्कआउट को करने वाले और अपने बाइसेप्स को ग्रो करने वाले। उससे पहले आपको जानना होगा कि आपके बाइसेप्स में कौन कौन से हेड्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है हमारा शॉर्ट हेड जो कि हम लोग के अंदर की ओर होता है, और लॉन्ग हेड जो कि आपके बाइसेप्स पीक के लिए होता है। और दोस्तों यहाँ पे दो हेड्स और आते हैं, एक सबसे पहला ब्रैकियालिक जो कि आपके बाइसेप्स को चौड़ा करता है, और दूसरा ब्रैकियोडियालिस जो कि आपके फोरआर्म से कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों आपको ये सारे हेड्स को आपको टारगेट करना होगा, तभी आपकी एक बड़ी बाइसेप्स बनेगी। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग करने वाले वार्म अप जो कि होगा हमारे बाइसेप्स के लिए टॉवल कर्ल। दोस्तों इसे आपको इस तरह से करना है, आपको टॉवल अपने पैर में इस तरह से लगा लेना, और आपको कुछ रेपिटेशन निकालना है, बस आपको वार्म अप करना है, इसे ज़्यादा ना करें क्योंकि वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बाइसेप्स के लिए। अब बारी है दोस्तों हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज जो कि होने वाला है हमारा बारबेल कर्ल। दोस्तों बारबेल कर्ल अगर आप जिम में करते हो तो इसके लिए आपको रॉड चाहिए, लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हो तो कुछ नहीं, बस आपको एक बाल्टी चाहिए, बकेट चाहिए, उसमें आपको कुछ इस तरह से आपको ईंट को भर लेना है और रॉड फंसा करके आपको कुछ इस तरह से कर्ल करना है। दोस्तों यहाँ पे आप जो बाल्टी के अलावा आप जो अपने स्कूल बैग को भी लगा सकते हो और आप जो अपने एक्सरसाइज को कर सकते हो। याद रखो कि इसका आपको मैक्सिमम रेपिटेशन निकालना है जितना हो सके, और इसका 3 सेट आपको करना है। दोस्तों उसके बाद अब हम लोग करने वाले अपने ब्रैकियालिक मसल को हम लोग ट्रेन, जिससे कि आपकी बाइसेप्स चौड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग करने वाले रिवर्स कर्ल। दोस्तों रिवर्स कर्ल करने से आपकी जो ब्रैकियालिक मसल जो है ट्रेन हो जाती है, और साथ ही साथ आपकी ब्रैकियोडियालिस यानी कि आपकी फोरआर्म भी एक ही बार में ट्रेन होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, अपने बाल्टी में कुछ ईंट को भर लेना है और आपको रिवर्स कर्ल इस तरह से लगाना है। दोस्तों ध्यान रखो जब आप ऊपर ले जाते हो तो उसको स्क्वीज करना है, और नीचे लाते टाइम थोड़ा सा स्लो लाना है, तभी आपकी फोरआर्म भी साथ ही साथ ट्रेन होगी। तो बस आपको इसी तरह से आपको ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है, और नीचे आते टाइम थोड़ा सा स्लो 2 सेकंड का पॉज लेके नीचे की ओर आओ। दोस्तों ये वर्कआउट आपके ब्रैकियालिक और आपके फोरआर्म, बार बार बोल रहा हूँ, फोरआर्म को भी ट्रेन करती है। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारी तीसरी वर्कआउट जो कि है हैमर कर्ल। दोस्तों हैमर कर्ल करने से आपकी ब्रैकियालिक फिर से आपकी जो है बाइसेप्स को चौड़ी करने, और साथ ही साथ आपकी फोरआर्म को ट्रेन करती है। तो दोस्तों आपको इसे भी करना है घर पे, बाइसेप्स जो चौड़ी होने लग जाए। तो इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको जो है 2 ईंट चाहिए, और आपको इस तरह से आपको जो है अपने हैमर कर्ल को लगाना है। दोस्तों आप दोनों हाथ से भी लगा सकते हो, और चाहे तो आप एक हाथ से भी लगा सकते हो। ये आपकी, फिर से बता रहा हूँ, ये आपके बाइसेप्स को चौड़ी करेगी और साथ ही साथ आपके फोरआर्म को भी एक साथ ही में ट्रेन कर देगी, क्योंकि यार सिर्फ बाइसेप से कुछ नहीं होता, आपकी फोरआर्म भी अच्छी दिखनी चाहिए। तो यार ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और मेरी फेवरेट भी है हैमर कर्ल। दोस्तों अब बारी आती है आपके बाइसेप्स पीक के लिए जो कि हमारे लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी, बिल्कुल ही अर्नोल्ड के तरह। अगर आपको बाइसेप्स चाहिए तो यार इस वर्कआउट को करो, जिसे कि हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। दोस्तों इस वर्कआउट के लिए आपको जो जिम में कुछ इस तरह से आपको मशीन चाहिए, लेकिन आप घर पर भी कर सकते हो। इससे आपकी लॉन्ग हेड यानी कि आपकी बाइसेप्स पीक आपकी जो ट्रेन होती है। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको बस एक ईट चाहिए, और आपको कुछ इस तरह से आपको कॉन्सेंट्रेशन आपको कर लगाना है। आप इसे अपने नीज पे रख सकते हो, अपने थाइस पे रख के आप इस तरह से लगा सकते हो। सो ऑलराइट दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर सच में अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। सो ऑलराइट दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।